जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में, जिसमें कि आप बैंकिंग असिस्टेंट ग्रेड टू, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड टू एंड सिस्टम मैनेजर की पोस्ट का फॉर्म फिलअप करोगे और ये भर्ती आपकी 786 पदों पर निकाली गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा और मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये लिंक ओपन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ ओडिशा स्टेट के लोग ही आवेदन कर पाएंगे, अदर स्टेट के लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आने पर आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ से आपको इसको कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी होगी। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम हो यहाँ पर आपको एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके आपको यहाँ पर कंफर्म भी कर देना है। मिडिल नेम अगर आपका है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आता है लास्ट नेम, यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और उसको भी सेम तरीके से आपको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम नंबर एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद जो भी आपने नंबर यहाँ पर भरा है, इस नंबर को भी आपको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको एंटर कर देते हैं। ये करने के बाद नीचे देखोगे अल्टरनेटिव नंबर, यानी कि अगर आप इस नंबर के अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते हो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस डालना है। डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके उसके डोमेन आपको चूज कर लेना है। कंफर्म ईमेल आईडी, अब जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पर भरी है, इस ईमेल आईडी को आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है और इस बार आपको कोई डोमेन नेम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये आपकी जानकारी हो चुकी है। अब नीचे जहाँ पर जो आपको सिक्योरिटी कोड देखने को मिल पा रहा है, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, इन सभी को कन्फर्म करके आपको नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहां पर देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिल चुका है। साथ ही ये जानकारी आपको मेल मैसेज के द्वारा भेज दी गई है। अभी सेक्शन के अंदर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्कैंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, इसके ऊपर जो यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपका इमेज है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड कर देते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो आपकी डिटेल्स है, बेसिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज और प्रेफरेंस की, वो यहाँ पर आ चुकी है। पोस्ट यानी कि आप किस पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। ये चूज करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप बेसिकली विकलांग हो। अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। अगर आप यस करते हो तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और जो यहाँ पर आप रिलीजन टू विच यू बिलोंग, इसके ऊपर जितने भी ऑप्शन है ये इनका आंसर उन्हीं कैंडिडेट को करना है जो लोग विकलांग के ऑप्शन को यस करते हैं। तो यहाँ पर है रिलीजन टू विच यू बिलोंग, यानी कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आपको अपना रिलीजन यहाँ पर चूज कर लेना है। करने के बाद वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप करते हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ हिज हर होम डिस्ट्रिक्ट एंड रेसिडेंट सर्टिफिकेट इश्यूड नॉट बिफोर देन 1 ईयर। बेसिकली यहाँ पर क्या आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। और ये जो यस और नो कर पाएंगे ये एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट ही कर पाएंगे। यूआर को इसमें चूज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आर यू परमानेंट स्टाफ वर्किंग इन कोऑपरेटिव बैंक्स रजिस्टर्ड इन ओडिशा, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। आर यू ए स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू ए डोमिसाइल ऑफ अदर ओडिशा स्टेट, क्या आप ओडिशा स्टेट के निवासी हैं, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो करोगे। और अगर आप नो करोगे तो आप इसमें
आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। नेशनलिटी सिटीजनशिप यहाँ पर इंडियन दिया जा रहा है। सेंटर ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम, तो यहाँ पर आप अपना सेंटर कहाँ रखना चाहते हो, इन दी गई हुई स्टेट में या फिर इन दी हुई सिटी में, तो आपको वो यहाँ पर चूज कर लेनी है। सेंटर ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन सिंगल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना कि कहाँ पर आप रखना चाहते हो। ये करने के बाद नीचे आपकी शुरू हो जाती है पर्सनल डिटेल्स, जहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। पहले डे सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद मंथ, और यहाँ से आपको अपना बर्थ ईयर चूज कर लेना है। फिर आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है, और एज आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। आपकी जो माता जी का नाम है वो क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। नीचे आती है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि आपके प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। करने के बाद अगर आपका एड्रेस लोगे तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल भी कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है, और उसका जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का। फिर आता है सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये जानकारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको चूज दी एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, यानी कि कहाँ पर आप अपने जो GST इनवॉइसिंग है एप्लीकेशन फीस की वो भेजना चाहते हो, आपको चूज कर लेनी है। और ये करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है वो आपको एक बार चेक करनी है, और फिर आपको नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर दिया जा रहा है ग्रेजुएशन डिग्री, क्योंकि इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास कम से कम ग्रेजुएट की योग्यता होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर अपना जो भी सब्जेक्ट है या फिर स्ट्रीम है वो चूज कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पर पासिंग जो आपकी डेट मंथ ईयर है वो भी सिलेक्ट करना होगा, तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, और इसके बाद आती क्लास, तो आपकी जो भी क्लास थी वो आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भी आप सेम तरीके से भर सकते हैं, या फिर कोई अदर्स क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर आप सेम तरीके से ही भर पाओगे। डू यू हैव प्रेफरेंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। वर्क एक्सपीरियंस, दोस्तों अगर आप इसमें वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन यानी कि किस पद पर काम करते थे वो, कब से आपने ज्वाइन किया था वो डेट मंथ ईयर चूज करना है, और कब तक किया था वो डेट मंथ ईयर चूज करना है। नेचर ऑफ ड्यूटीज यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी, रीजन ऑफ लिविंग यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, और आपका ऑटोमेटिकली आपकी भरी हुई डेट के अनुसार यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो ईयर मंथ और डे के अंदर आ जाएगा। फिर आती है लैंग्वेज नोन, तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो यहाँ पर आपको एंटर करके टिक करते जाना है, जैसे कि रीड राइट और स्पीक, तो आपको तीनों के ऊपर टिक कर देना है। अगर आपको ओडिया लैंग्वेज भी आती है तो आपको यहाँ पर ओडिया एंटर करना है, और करने के बाद यहाँ पर आपको रीड राइट और स्पीक के ऊपर टिक करके बताना है कि मुझे तीनों आती है। इसके अलावा अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज आती है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है, और आपको सेम तरीके से इनके ऊपर टिक कर देना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी प्रेफरेंस, तो यहाँ पर दिया जा रहा है नेम ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ ओडिशा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैक्सिमम 3 प्रेफरेंस चूज करनी है, तो चलिए यहाँ पर हम 3 प्रेफरेंस चूज कर लेते हैं। करने के बाद आपको नीचे आने और यहाँ पर वैलिडिटी और डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आपके द्वारा भरी गई जानकारी को आप वेरीफाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप एक एक करके कंफर्म कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको आपको फोटो देखने को मिल पा रहा है, इसके नीचे आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो, आपको इसके नीचे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहां पर डिक्लेरेशन के नीचे भी आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, और इसके अलावा आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर, यहां पर भी आपको राइट क्लिक कर देना है। ये करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी हो मैं वो आपको एक बार फिर से चेक करनी है, क्योंकि इसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि मैं आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही है, तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि आप
आपको बाएं अंगूठे का निशान यहां पर अपलोड करना है। तो आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपने एक ब्लैंक पेज के ऊपर अपना अंगूठा लगाया हुआ है वो अंगूठे का जो निशान है वो आपको यहां पर लेना होगा और इसके बाद आपको उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका साइज 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इसी साइज के अंदर अपना फोटो क्रिएट करना है और वो यहां से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपको आपके इमेज का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, आपको इसको ओके करना है और फिर यहां पर जो भी सिक्योरिटी कोड दिया जा रहा है आपको एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां से आपको ओके कर देना है। फिर आते हैं यहाँ पर आपकी फ़ीस का अमाउंट, तो जो भी आपकी फ़ीस का अमाउंट है तो आप देख ही सकते हो। उसके नीचे आपको सिक्योरिटी कोड देखने को मिल पा रहे हैं, ये आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिर आपको फिर से सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको ओके कर देना है। ये करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली इसकी जो बिल डेस्क है उसके ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको चूज कर लेना है कि आप किस माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR या फिर UPI। तो आप जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, मंथ और यहाँ पर ईयर और यहाँ पर आपको जो आपकी CVV है वो एंटर करनी है। कार्ड होल्डर नेम यहाँ पर आपको डाल करके मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको 5 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और आप वहाँ से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से आप दोस्तों सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि आपका ओडिशा कोऑपरेटिव बैंक है, ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप दोस्तों ये जो प्रोसेस है आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।